अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज सुबह से कोई ऑर्डर नहीं आया था, अभी दोपहर में ऑर्डर आया तो ये है 6 आलू वाले पराठे और 2 जीरा रायता। हाँ, तो सुबह इतना जबरदस्त तूफान था कि लग रहा था कि बस सारा बारिश ने ना आज ही हो जाना। अल्लाह का शुक्र है कि इतना बारिश थमी और पानी इतना ज़्यादा, हर जगह पे पानी पानी हो गया और अल्लाह ने बाद में धूप निकाल दी कि चलो पानी खुशक हो जाए। और सुबह से ऑर्डर भी कोई नहीं आया था, मुझे था कि शायद पता नहीं इतना मौसम खराब है, आज संडे का दिन जो ऐसे ही जाना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी ऑर्डर आ गया है और पराठे आए हैं। फटाफट से बनाऊंगी 6 पराठे हैं, साथ में रायता है। रायता पैक है, बस पराठे तैयार करने हैं फटाफट से। इससे पहले ऑनलाइन आया था वो एक ऑर्डर, और वो तो जल्दी जल्दी छोटा ही था इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार करके दे दिया। ये भी पराठे हैं, भी वास और फटाफट से आप पराठे तैयार करूँगी, उसके बाकी सामान सारा तैयार है। संडे था, सुबह सुबह बच्चे भी फिर उठ गए थे, बच्चों के नाश्ता वगैरह बना के बाकी काम समेटे और कपड़े धोने लगी थी। संडे थे, यूनिफॉर्म वगैरह तो मशीन ने काम खराब कर दिया, अभी इधर से फारो होके हाथ से फिलहाल यूनिफॉर्म थोड़े से धो लूँगी, बाकी मशीन का काम सही करवा के तो उसके बाद काम करूँगी। अभी तो अच्छी खासी धूप निकल आई है, लेकिन ये है कि पानी भी काफ़ी, जितना तो पानी बारिश थी हर तरफ पानी ही पानी हो गया हुआ है। तो सर हम अक्सर जो गैस है वो कम हो जाती है तो फिर सादा रोटी के लिए इतना सिलेंडर यूज कर लेते हैं, लेकिन पराठा जो है वो पक जाता है, घी लगना होता है। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेनू अरशां ते रब ने बुलाया है, तेनू अरशां ते रब ने रब नाल तेरी ए कलाम सोनिया, गुड़ी रब नाल तेरी ए कलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। और आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़ दे, आए दर ते सवाली नू गरीब दा नहीं तोड़ दे, दिल किसे भी गरीब दा नहीं तोड़ दे, करा जिक्र तेरा फजरी ते शाम सोनिया, करा जिक्र तेरा फजरी ते शाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया।
तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, ऐडा रब दे करीब दस केड़ा है, ऐडा रब दे करीब दस केड़ा है, तेनू एहो जेया मिलिया मकाम सोनिया, रखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। मसाले में नमक में स्पाइसी पहले ही हो गया था, इसके आज चाणचाला ने छिड़का के चाणचाला छिड़का तो फिर ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, तो नमक मिर्च जो है वो पहले थोड़ी सी सही थी, तेज ही थी पराठों के हिसाब से, इसलिए फिर एक्स्ट्रा मसाला में पर आज छिड़का। आलू थोड़े ही बॉयल किए थे, अभी इन पराठों के बाद मैं आलू और रख दूंगी उबलने के ऊपर, के अभी इतने थे, कुछ बच्चों ने सुबह नाश्ता आलू पराठे का किया तो कुछ सुबह इस्तेमाल हो गए थे, फिर जो बॉयल किए थे वो अब लग गए, अभी पराठों के बाद साथ ही मैंने ऊपर आलू और रख देने बॉयल होने के लिए, ताकि कोई और ऑर्डर आने से पहले पहले बॉयल हो जाए। चले जी, आखिरी पराठा ये भी हो गया है तैयार, और अनिल भाई बाहर आ चुके हैं, उन्हें कहा था कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वेट कर लें, तो ये अभी मैं डिलीवर करूंगी, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में। ये छह पराठे तैयार हो गए, साथ में दो जीरा रायता था, ये रायते पहले से पैक करके रखे थे, और ये केचप है साथ में, एक पराठे के साथ दो है, तो ये 12 पैकेट है, इनको अलग से किया हुआ है, अभी ये देख के आएगा मेरा बेटा नीचे, क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है, घर में ही है, ये लो पकड़ो, मुझे फाइक दे के आएगा। धूप निकल आई है, सुबह तो बहुत ही तूफानी बारिश हुई थी, और अभी मौसम बेखुशा का सारी जगह पानी पानी हो गई थी, फिर पानी निकाला सबसे पहले, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बच्चों को करवाया। संडे है, घर ही होते हैं, आज छुट्टी है, घर में है, और अभी लाइट ऑफ होकर दोबारा से आई है, तो पहले तो कंप्यूटर लगा के बैठे हुए थे, चूड़ियाँ मेरी हुई थी ख़त्म, तो मैंने इनके बाबा को कहा था मुझे चूड़ियाँ ला दें, तो उन्होंने मुझे पूरे का पूरा डिब्बा ला दिया, कहते ये लो रोज़ रोज़ मंगवाने से बेहतर है कि पूरा डिब्बा ही लो और पहनती रहो, पहन के पहनती रहो और तोड़ती रहो, तो फिर ये वाली चूड़ियाँ उन्होंने मेरे मुझे कलरफुल पूरा पैक ला के दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊँ कि मेरी चूड़ियाँ कम रह गई थी, मैंने नहीं मंगवाई हैं जी। इसके साथ ही दूसरा ऑर्डर आ गया है, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, और ये 5 सादा रोटी है, ये भी तकरीबन एक रोज़ाना या तो आ जाए ऑर्डर आ जाता है, या फिर जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन, तो यहाँ पे गैस भी है थोड़ी, पराठे तो पक गए हैं, तो मैंने इधर रख देने आलू बॉयल होने के लिए, और रोटियाँ बनाऊंगी सिलेंडर पे। माशाल्लाह से तीसरा ऑर्डर आ चुका है, और ये है एक आलू मटर, 6 सादा रोटी, 1 चिकन कोफ्ते और 1 सूजी का हलवा। यहाँ पे कोफ्ते भी रेडी हैं और आलू मटर भी तकरीबन रेडी है, बस गर्म करने हैं और दे देने, हलवा भी तैयार है, वो भी इस वाली डिब्बी में डाल के गर्म करना है, दे देना, रोटियां मैं पकाने लगी हूँ सुबह मूल सिलेंडर पे, तो बाहर शोर बच्चों का आपको काफ़ी सुनाई दे रहा है, क्योंकि संडे है तो बच्चे माशाल्लाह से सारे गली में आए हुए खेलने के लिए, यहाँ पे आटा गूँ थोड़ा था तो मैं फटाफट से पहले आटा गूँधा, और चैलेंज ही ऑर्डर हो गया रेडी, हलवा भी रेडी है, कोफ्ते आलू मटर और रोटियाँ, और ऑर्डर भी बाहर आ चुके हैं, अभी इनको पैक करके तो बाहर भिजवाऊँगी। यहाँ पर मैं आपको साथ प्राइस भी दिखा देती हूँ, आलू मटर की 200 है, 6 सादा रोटियाँ 234 रुपये, और 1 चिकन कोफ्ते 270 रुपये, और सूजी के हलवे की कीमत है 130 रुपये। तो ये मेरा तीसरा ऑर्डर है, तैयार हो गया है, हलवा ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं बना रही हूँ, ये देखे मैं इतना इतना थोड़ा थोड़ा सामान तैयार करती हूँ, ये छोटी एक प्लेट है, तो ये मैं
बना रही हूँ हलवा, और साथ ही आलू जो फटाफट से प्रेशर कुकर में बॉयल किए, क्योंकि गैस स्लो थी तो आलूओं की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने जल्दी से प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिए। अभी यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सामान बना के रखें, और कोशिश करें ऐसा मेन्यू रखें, ऐसी चीज़ें रखें जो जल्दी से तैयार भी हो जाए, सिंपल भी हो। अब जर्दे पे एक तो टाइम इससे ज़्यादा लगता था, दूसरा उसकी कॉस्ट जो है वो इससे ज़्यादा बन जाती थी, तो इसलिए फिर मैंने उसे स्किप करके, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे तो हलवा ऐड कर लिया है। तो एक तो इसकी कॉस्ट थोड़ी है, सस्ता भी बन जाता है और फटाफट से बन जाता है, तो बनाती भी थोड़ा इसलिए क्योंकि चला जाए ना जाए तो फिर बाकी बच्चे खा लेते हैं। ये तो मैं बना जो जैसे हलवा पूरी के साथ, पूरियों के साथ, कठूरों के साथ हलवा होता है कलरफुल, तो कलरफुल आपको पता ही, फिर बच्चे जो है शौक से खा लेते हैं। हाँ, अच्छा बना हो, बुनाई अच्छी हुई हो तो जो हलवा है वो भी मज़े का होता है, दानेदार बना हुआ। और अभी को अच्छे से भून के साथ ही इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद पानी मैं इसमें ठंडा ही ऐड कर रही हूँ, गर्म से भी ज़्यादा चलती हो तो गर्म पानी भी डाल देती होती, लेकिन अभी जो ठंडे पानी से ये होता है कि ज़्यादा आपका दानेदार हलवा बनता है और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। गर्म पानी तब यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़्यादा जल्दी हो, कोई ऑर्डर बड़ा आया हो, तो उसके लिए गर्म पानी इस्तेमाल कर लेती होती हूँ कि फटाफट से तैयार हो जाए। पहले जब शादियों का सीज़न था तो काफ़ी सारे ऑर्डर आते रहे हैं मेहंदियों के खाने के, उसके साथ फिर ज़्यादा हलवा बनाना होता था, चने वगैरह बनाने होते थे, भटूरे होते थे साथ, तो उसके लिए फिर ये होता था कि फटाफट से गर्म पानी डाल के मैं हलवा बना लेती थी। अभी सूजी है तकरीबन मेरी बुन गई है, खुशबू बड़ी प्यारी सी आनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक प्लेट मैंने जो चीनी ली थी, सूजी ली थी, और इतनी ही मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ ये देखें, और 3 प्लेट पानी इसमें ऐड करूँगी। चलिए जी, मेरा नल भी ठीक हो गया, इसकी ये साइड वाला हैंडल था बिल्कुल ख़राब हो गया था, फ्री हो गया था, इसका जो पेच निकल गया था, तो 2 दिन से जो है ना काम बड़ी मुश्किल हो रहा था, तो अब भी ये सही करवाया है क्योंकि आज छुट्टी थी संडे था, तो ये भी अब इजीली जो काम है वो हो जाएगा, बार बार मुझे धक्का लगा के इसे खोलना बंद करना नहीं पड़ा करेगा। चलें जी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है, कलर डालने के बाद देख लीजिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी सी हो गई है। अभी थोड़ा सा इसको करूँगी कवर ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और मज़ेदार सा सूजी का हलवा हमारा रेडी हो जाए। कपड़े लगी थी धोने तो मशीन ने दे दिया जवाब, तो मैंने पानी सारा निकाला, सर्फ भी डाला हुआ था। अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म भी धोए हैं ताकि हाथ से ही यूनिफॉर्म धो लूँ और फिर मशीन ठीक होगी तो बाकी के कपड़े फिर धोऊँगी। यहाँ पर ये देखें जी, छुट्टी इंजॉय हो रही है क्योंकि बाकी दिनों में इनका कंप्यूटर बंद है, सिर्फ सैटरडे संडे को ऑन होता है, तो सुबह से लाइट भी बंद थी, तो अभी बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी, गेम्स खेल जी। तो मेरा अगला ऑर्डर आ चुका है, ये एक चिकन कोरमा और एक सादा रोटी, ऑर्डर छोटा ही है, उसका टाइम भी काफ़ी सारा, जो जल्दी तैयार हो जाएगा, 13 मिनट है जी। मेरा शाम का अगला ऑर्डर आ गया है, 2 चिकन कोरमे और 1 आलू मटर है, और ये उन्होंने नीचे लिखा हुआ थोड़ा छोटा सा नोट कि अलग अलग पैक करें, वैसे मैं अलग अलग ही पैक करके देती होती हूँ, मुझे लगता है जी कोई नए हैं इसलिए उन्होंने ना नीचे नोट लिखा है कि आप अलग अलग पैक करें। 30 मिनट है और उसके बाद मैंने कर दिया है अपने रेस्टोरेंट को थोड़ी देर बिजी पढ़नी है नमाज मगरब की, तो ये मैं पैक करके नमाज़ पढ़ूँगी मगरब की। ऑर्डर हो गया रेडी, बस पैक करने लगी हूँ, और राइडर भाई भी आ चुके हैं। आज सुबह तो धनिया ही नहीं मिला पहले बारिश की वजह से सब्जी वालों के पास, ये कि और फ्री टाइम है, पिछले टाइम में असर के बाद थोड़ा सा मिल गया तो मैंने जल्दी से कटिंग करके रखा, तो पता है कि धनिया के बगैर हंडी की जो लुक है वो अच्छी नहीं लगती, धनिया के साथ खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी से पैक करके डिलीवर करूँगी, उसके बाद पढ़ूँगी नमाज। आज का मेरा रात शाम का ऑर्डर आया था, ये 2 सालन था चिकन के, तो मोहित पैक कर रहा है, मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, साथ ही बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, इधर शलजम बनाए थे, काफ़ी दिन हो गए थे सब्जी नहीं कोई खाई हुई थी बच्चों ने, तो अभी बच्चों के लिए भी साथ ही खाना बनाऊंगी। और ऑर्डर हो गया है रेडी तकरीबन, बस पैक होने वाला, राइडर भाई अभी 6-7 मिनट है तो अब जाने शुरू होने लगी हैं। चलें जी, एक और दिन का अख्ताम हो गया है, और आज मुझे ऑर्डर आए थे 6 और सेल हुई है 3,317.99। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो नए काम शुरू करने वाले हैं उनको शायद ये बात अभी ना पता हो, और जो मेरी तरह शुरू करते हैं कर चुके हैं जिन्हें टाइम हो गया उन्हें ये बात पता होगी,
चलें इससे पहले आप जल्दी से नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताना जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये देखें यहाँ पे मुझे ये ऑर्डर आया था 834 रुपये का और यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट थे और इसकी टोटल प्राइस यहाँ पे बनी है 136 रुपये, यानी कि ये 675 30 रुपये जो बाकी के सारे डिस्काउंट हैं ये कोई वाउचर होता है फूडपांडा वालों की तरफ से कस्टमर को, तो ये जो बाकी के पैसे हैं वो फूडपांडा हमें देगा, 5% डिस्काउंट है और ये वाला को वाउचर है। तो टोटल प्राइस 834 रुपये की थी। एक बार तो मैं भी परेशान हो गई थी कि ये क्या जी टोटल इतने आ रहे हैं और यहाँ पे जो मैं पे करना है उन्होंने वो सिर्फ 136 रुपये हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उन्होंने को वाउचर दिया होगा जिसकी वजह से ये डिस्काउंट है, लेकिन फूडपांडा हमें ये जब इनवॉइस भेजेगा उसमें पे कर देगा। तो आज के मुझे टोटल ऑर्डर है उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने 3317 रुपये लिखे, लेकिन ये ज़्यादा की सेल हुई है क्योंकि वो 850 का तकरीबन मेरा वो वाला आइटम जो थी ऑर्डर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा, अगर कोई फूड पांडा अपनी तरफ से वाउचर दे या अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट दे तो वो फूड पांडा ने वो पे करने होते हैं वो कस्टमर को, और हमने नहीं पे करने होते, हमें वो जब उन्होंने इनवाइस देनी होती है वीकली जो आप पेमेंट सेंड करेंगे उसमें उन्होंने दे देने होते हैं। तो अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।